हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कुछ लॉ के बारे में, जैसा कि पहला लॉ हमारा था ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस और दूसरा उसी से रिलेटेड हमारा एक था पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बात किया था। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिर इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम एंड लामीज थ्योरम के बारे में। तो फ्री बॉडी डायग्राम को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लामीज थ्योरम जो सबसे ही इंपॉर्टेंट लॉ है, हमारा इस थ्योरम है जो हमारा इस चैप्टर का। तो हम लामीज थ्योरम से रिलेटेड सारे टर्म्स को पढ़ेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो बिना देरी के हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम हमारा क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम का मींस ये है कि अगर हमारी कोई बॉडी है जो जिसपे नंबर ऑफ फोर्सेस मींस फोर्स लग रहे हैं, तो उसके हम उस पर देखते हैं कि वो फोर्सेस हमारे किस टाइप से लग रहे हैं। मींस कि एक बॉडी को हम लेते हैं और उस बॉडी की एनालिसिस करते हैं कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या रिएक्शन लग रहा है, उसका वेट क्या है। एक इंडिविजुअल पार्ट मींस उस बॉडी को इंडिविजुअल मान लेते हैं, मतलब कि दो बॉडी तीन बॉडी को हम किसी चीज से कनेक्ट किए हुए हैं, तो तीनों बॉडी का अलग अलग हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम पे देखते हैं कि इस उस पे लगने वाले फोर्सेस या फिर उसके वेट या फिर अन्य कोई और चीजें उस पे जो लग रही हैं रिएक्शंस वगैरह, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी उस बॉडी पे। तो हर बॉडी को हम इंडिविजुअल मान के चलते हैं और हर बॉडी इंडिविजुअल बॉडी पे हम देखते हैं कि फोर्सेस प्लस रिएक्शन और उसके वेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसकी हम जब बातें करते हैं, वहां से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे, इसमें देखिए कोई इसका स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई इसका स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल एक डायग्राम बनाएंगे, नंबर ऑफ डायग्राम दो तीन डायग्राम बना के समझेंगे कि इस डायग्राम में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं। कोई हमारे पास डायग्राम आ गया तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे पास कोई ये एक डायग्राम है, एक डायग्राम में ये हमारा कोई एक स्फेयर है, स्फेयर है। तो इस स्फेयर में एक हमारी ये जो होती है, ये हमारी रस्सी है, कोई वायर है, वायर, एक वायर से ये बंधी हुई है रस्सी। और ये जो हमारी है, ये जो है, ये हमारी रिजिड वॉल है। दो रिजिड वॉल के बीच में हमारा ये एक स्फेयर रखा हुआ है, इसका कोई एक सेंटर है। तो ये कह रहा है कि इस स्फेयर और वॉल का जो कनेक्शन है, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, जो टच हो रहे हैं, तो उनके बीच में इस स्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ओनली स्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस स्फेयर पे रिएक्शन, वायर जो लग रही है उसमें टेंशन और इसके वेट का क्या इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, उसको जानने के लिए हम इस स्फेयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए हम इस स्फेयर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस स्फेयर को जब हम ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए कोई ये स्फेयर है, ये स्फेयर हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस स्फेयर को ड्रॉ करने के बाद इस पे जितने भी फोर्सेस या फिर जो इसके वेट है उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक टेंशन को शो हो रहा है, तो इस टेंशन को हम शो कर देते हैं। ये वायर है, तो वायर जब इस स्फेयर को खींचेगी तो एक टेंशन क्रिएट होगा, तो इस टेंशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, ये जो जहां पर ये है, तो इस ए पॉइंट पे कोई ये रस्सी से बंधा हुआ है स्फेयर, तो या इसमें टेंशन क्रिएट होगा, तो इसे हम टी मान लेते हैं, इस टेंशन को टी मान लेते हैं। और ये इसका सेंटर जो है बी पॉइंट मान लेते हैं, तो बी पॉइंट दिखा देते हैं। और इसका कोई वेट है, वेट क्या है, वेट हमारा ये डब्ल्यू है, तो इस डब्ल्यू को भी हम शो कर देते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो डायग्राम हमें दिखाया गया होता है, उस डायग्राम को हम जो जो चीजें हमें दिखाई देती है, जो विजिबल होती है, उसे हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और बाकी चीजें क्या है, कैसे कनेक्ट होती है। तो देखिए, इसमें ये सी पॉइंट जो है हमारा वॉल, ये वॉल की जो सी पॉइंट और स्फेयर, ये वॉल और स्फेयर जो मिल रहे हैं इस सी पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक रिएक्शन क्रिएट होगा। वॉल भी इस स्फेयर पे कोई ना कोई रिएक्शन लगाएगी और ये स्फेयर भी इस वॉल पे कोई रिएक्शन लगाएगा। रिएक्शन कैसे लगेगा, देखिए ये रिएक्शन सी पॉइंट से अगर हम देखते हैं, तो ये वॉल हमारी इस स्फेयर पे ये रिएक्शन लगा रही है, आर रिएक्शन मान लेते हैं कोई है, आर सी, ओके। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और है जहां पर ये हमारा स्फेयर
टच हो रहा है, कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पे भी हमारा स्फीयर टच हो रहा है, तो यहां से भी एक रिएक्शन क्रिएट होगा। तो मान लेते हैं इस रिएक्शन को यहां पर, ये कोई एक रिएक्शन जो यहां लगेगा, ये डब्ल्यू वेट है इसका, ओके। तो यहां पे डी पॉइंट है, तो इस डी पॉइंट पे भी कोई रिएक्शन हमारा लगता है जो है हमारा आर डी, ओके। तो अब देखिए, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता था, कहता था कि अगर कोई फोर्सेस हमारे किसी बॉडी पे लग रहे हैं, कोई फोर्सेस हमारे इस बॉडी पे लग रहे हैं, तो अगर इसके फोर्स ऑफ जो हमारी लाइन है, ये लाइन जो फोर्सेस एक्टिंग लाइन है, इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, ओके, इफेक्ट क्या होगा, सेम इफेक्ट देगा। यही कह रहा था ना हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कि अगर हम इस फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो उस लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हम देखते हैं इफेक्ट को, तो सेम इफेक्ट होता है। तो वैसे ही यहां पर भी हम देख लेते हैं कि ये हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर पे अगर हम, ये कोई पॉइंट बी है, बी पॉइंट से कोई हमारा एक टेंशन टी क्रिएट हो रहा है, और नीचे की तरफ इसका वेट कोई डब्ल्यू है, और यहां से रिएक्शन लग रहा है, तो ये अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन आर क्या हो जाएगा, आर डी हो जाएगा। आर डी रिएक्शन और डब्ल्यू दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं, तो मीन्स डब्ल्यू इक्वल आर डी हो जाएगा हमारा, ओके। यहां से एक चीज आ गई, डब्ल्यू इक्वल आर डी, ओके। देखिए, और वहीं पे अगर हम दूसरी लाइन की देखते हैं, दूसरा हमारा रिएक्शन लग रहा है आर सी, ओके, आर सी। अगर इस आर सी पॉइंट को भी हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये भी हमारा इस सेंटर पॉइंट से होके जाएगा, तो आर सी पॉइंट को यहां शो कर देते हैं आर सी, तो आर सी पॉइंट, टी पॉइंट और एक हमारा वेट डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट है, इस पे इतनी रिएक्शन फोर्सेस, दो रिएक्शन फोर्स, एक टेंसाइल फोर्स और एक उसका वेट लग रहा है, जो उस स्फीयर का वेट है। तो इसे ही हम कंप्लीट, इसे डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम। और अलग अलग भी एग्जांपल देखते हैं, अलग अलग डायग्राम को देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम उसका कैसे बनाया जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। देखिए, सेकंड डायग्राम में हमारा दिखाया गया है एक स्फीयर, ये एक स्फीयर है जो एक वायर से किसी वॉल, किसी रिजिड वॉल से कनेक्ट है, ओके। इस वायर, किसी रिजिड वॉल से वायर की सहायता से लटकाया गया है, इस फ्रीली लटकाया गया है इस स्फीयर को, ओके। तो देखिए, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम इस स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्फीयर देखिए, ये हो जाएगा हमारा कोई ये स्फीयर, ओके। इसका कोई सेंटर पॉइंट हमारा ओ हो जाएगा ये। तो देखिए, अगर इस वायर को हम ड्रॉ करते हैं, ओ पॉइंट से वायर को ड्रॉ करते हैं, तो ये कोई हमारी एक वायर हो जाएगी जो ओ ए वायर है, ये वायर हो जाएगी ओ ए, ए और ओ, जिसपे कोई टेंशन हमारा टी लग रहा होगा टेंशन। अब देखिए, ये वायर या तो अंदर की तरफ टेंशन लगा रही होगी, या फिर ये स्फीयर की हेल्प से कोई बाहर की तरफ टेंशन लग रहा हो, तो मीन्स एक दोनों आपस में मिलके इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो कोई इस वायर पे टेंशन टी क्रिएट हो रहा होगा, और इस स्फीयर का कोई अपना एक वेट होगा जो डब्ल्यू होगा, वेट ऑलवेज इन डाउनवर्ड, ओके, डाउनवर्ड डब्ल्यू हो जाएगा हमारा। देखिए, सबसे इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये जो हमारी बी पॉइंट है ना, ये जो हमारी बी पॉइंट यहाँ पे शो हो रही है, कौन सी बी पॉइंट, यहाँ पे जो ये हमारी बी पॉइंट शो हो रही है, इस बी पॉइंट पे एक रिएक्शन लगेगा। रिएक्शन कौन सा होगा, आर बी, जो वॉल हमारी स्फीयर पे लगा रही होगी, या फिर स्फीयर हमारी वॉल पे लगा रही होगी, ओके। तो इस रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये कोई बी पॉइंट यहाँ पर है, इस स्फीयर पे बी पॉइंट को अगर हम शो करते हैं, तो यहाँ पर है, तो इस पे कोई रिएक्शन हमारा आर बी लग रहा होगा, ये कोई आर बी रिएक्शन होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, सेम इफेक्ट होता है। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो कहाँ पे जाके मिल रहा है, सेंटर पॉइंट पे। तो इसके कंप्लीट पार्ट को देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारा ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन ये आर बी लग रहा है, इस पे कोई एक वायर है जो वायर पे टेंशन टी क्रिएट हो रहा है, और इसका कोई वेट डब्ल्यू है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, मीन्स कि फ्री बॉडी डायग्राम में कोई एक वैल्यू पूछेगा हमसे, कौन सी, या तो फिर इस वायर में टेंशन पूछेगा, या तो फिर इसका रिएक्शन पूछेगा, या फिर ये दोनों चीजें दिया रहेगा और इसका वेट पूछेगा, ओके। तो फ्री, इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे पढ़ने वाले हैं जो है हमारा लॉमिस थ्योरम। तो लॉमिस थ्योरम को ही हम यहाँ पे लगा के इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं लॉमिस थ्योरम हमारा क्या कहता है। देखिए, लॉमिस थ्योरम, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व के, जैसा कि हमने एक अभी इमेज देखी थी,
उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए टेंशन या फिर उसमें वेट या फिर कोई रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लामीज थ्योरम का यूज करते हैं। तो लामीज थ्योरम हमारा क्या कहता है? लामीज थ्योरम ये के पहले इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, तो फिर उसके बाद स्टेटमेंट से हम डायग्राम से समझेंगे कि लामीज थ्योरम हमारा क्या कह रहा है। देखिए, लामीज थ्योरम कहता है कि इफ थ्री को प्लैनर फोर्सेस, थ्री को प्लैनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट मीन्स कि एक कोप्लैनर फोर्सेस भी है और एक कंकरेंट फोर्सेस भी है। मीन्स कि वो फोर्सेस जो हमारे किसी पॉइंट पे लग रहे हैं वो कोप्लैनर भी है और कंकरेंट भी है। कंकरेंट भी तो यही कहता है कि एक पॉइंट पे हमारे सारे फोर्सेस लगने चाहिए। तो यही चीज है कि एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम। ये भी देखिए एक बात है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन the other two sides लिख सकते हैं। ओके, देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि if three coplanar forces means कि एक ही plane पे लगने वाले force होने चाहिए तीनों। ओके, तीन फोर्स की ही ओनली बात हो रही है लामीज थ्योरम में, ओनली तीन फोर्सेस की बात होती है। देखिए, थ्री फोर्सेस हैं वो भी कोप्लैनर होने चाहिए एंड कंकरेंट होने चाहिए, मींस एक पॉइंट पे होने चाहिए, लगने होने चाहिए और इक्विलिब्रियम में भी होने चाहिए। इक्विलिब्रियम हमने जैसा कि पढ़ा था कि मींस फोर्सेस जो तीनों लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ओके, कि तीन फोर्सेस हो गए हमारे और कोप्लैनर फोर्सेस हो गए और एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम में है, तो ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू साइड्स। ओके, कैसा, आइए देखिए इसके डायग्राम से समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई हमारी एक पॉइंट है ओ पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे कोई तीन फोर्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे कोप्लैनर फोर्सेस हैं, उन कोप्लैनर फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, ये कोई हमारा पी फोर्सेस है, ये कोई हमारा क्यू फोर्सेस है और तीसरा हमारा कोई आर फोर्सेस है। ओके, आर फोर्स है, ये कोई तीन फोर्सेस हमारे लग रहे हैं और इन तीनों फोर्सेस के बीच में क्या एंगल देखते हैं कि ये अल्फा कोई बना रहा है, इन दोनों के बीच में कोई हमारा गामा बन रहा है और इन दोनों के बीच में कोई हमारा बीटा एंगल बन रहा है, मींस अल्फा बीटा एंड गामा कोई एंगल बन रहा है। ओके, और ये देखिए क्या कह रहा है, तीन फोर्सेस हो गए जो एक ही प्लेन पे हैं और एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो पॉइंट ओ पे लग रहे हैं तीनों फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में भी हो गए, तो ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ये हमारा पी फोर्स है ना, ये जो हमारा पी फोर्स लग रहा है, ये पी फोर्स लग रहा है, तो इसके प्रोपोर्शनल में मीन्स कि इसके सामने वाली इस लाइन, अब इस फोर्सेस को छोड़ दीजिए, ये पी फोर्स ले रहे हैं, इस फोर्सेस को छोड़ दीजिए, इसके अलावा देखते हैं कि दो फोर्सेस हमारे कौन कौन से लग रहे हैं, आर फोर्सेस लग रहे हैं और क्यू फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है कौन सा बन रहा है, अल्फा एंगल। इस अल्फा एंगल जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल होता है साइन के, साइन अल्फा के। ओके, यही हमारा लामीज थ्योरम कह रहा है, मीन्स कि पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू, अब दूसरा फोर्स देखते हैं Q है, तो इस Q फोर्स को लेते हैं और आगे सामने इस Q फोर्स को छोड़ने के बाद अब सामने के दो फोर्सेस देखते हैं कौन कौन से, P और R है, तो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, इस बीटा एंगल बन रहा है, तो साइन बीटा हो जाएगा हमारा। ओके, तो यही तीसरा फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो R अपॉन साइन गामा हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा कहता है लामीज थ्योरम। ओके, देखिए लामीज थ्योरम को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा अलग वे में। देखिए एक बार फिर से इसे रिपीट कर देते हैं, मान लीजिए कि ये कोई हमारा एक पॉइंट ओ है, ये पॉइंट कोई ओ है, इस पॉइंट ओ पे हमारे तीन फोर्सेस कोप्लैनर फोर्सेस लग रहे हैं, ये कोई हमारा एक पी फोर्सेस है, क्यू फोर्सेस लग रहा है, ये कोई हमारा एक पी फोर्सेस लग रहा है
ओके, और एक कोई हमारा आर फोर्सेस लग रहा है। तीन फोर्सेस की हम लामिस थ्योरम की जब भी बात करेंगे, जहां पर भी तीन फोर्सेस लग रहे होंगे किसी एक पॉइंट पे, और वो तीनों फोर्सेस हमारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि कोप्लेनर होने चाहिए, ओके, कोप्लेनर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि ए पॉइंट एक पॉइंट पे लगने चाहिए, ओके, मींस कनकरेंट फोर्सेस, कनकरेंट फोर्सेस। और तीसरी चीजें हमारा दिया है इसमें कि तीनों फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ओके, तभी हम ये तीनों कंडीशन दी होगी तभी हम लामिस थ्योरम लगा सकते हैं, ओके, तभी हम लामिस थ्योरम लगाएंगे। तो लामिस थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि अगर ये पी है, देखिए मान लीजिए इन दोनों के बीच में अल्फा एंगल है, इसके बीच में कोई गामा एंगल है, और इसके बीच में कोई हमारा बीटा एंगल है, ओके, तो लामिस थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल Q अपॉन साइन बीटा इक्वल R अपॉन साइन गामा, ये हमारा कह रहा है लामिस थ्योरम, ओके। देखिए कैसे कह रहा है कि ये अगर हम P फोर्सेस को ले रहे हैं तो P फोर्स के बाद हम अल्फा साइन क्यों लगा रहे हैं, अल्फा एंगल क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं हम गामा ले रहे हैं, क्यों? देखिए अगर P फोर्सेस के सामने की अगर हम इससे P फोर्सेस को ले रहे हैं तो इसके बाद जो फोर्सेस दो हमारे बच रहे हैं, कौन से फोर्सेस बच रहे हैं, एक Q और एक R, ये दोनों फोर्सेस जो बच रहे हैं तो इनकी लाइन को देखिए, ये लाइन इसकी है R की और ये लाइन Q की है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, इनके बीच में एंगल तो हमारा अल्फा ही बन रहा है ना, तो P के बाद जो दो फोर्सेस बच रहे हैं उसके बीच में जो एंगल बना रहे हैं उसी एंगल को हम साइन लगा के P के नीचे लिख देते हैं। वैसे याद करने का सिंपल वे देखिए, वैसे ही अगर Q की बात करते हैं तो Q के सामने हमारे कौन से दो, अब Q के अलावा हमारे दो फोर्सेस कौन से बच रहे हैं, P बच रहा है और R बच रहा है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, इनके बीच में एंगल हमारा बीटा बन रहा है, तो हमने क्या लिया, साइन बीटा। वैसे ही R को देखते हैं, R हमारा ये है, R के बाद हमारे दो फोर्सेस कौन से बच रहे हैं, Q और P, इनके बीच में हमारा एंगल कौन सा है, एंगल हमारा है गामा, तो हमने कौन सा एंगल लिया है यहाँ पे, साइन के साथ गामा, सिंपल वे में याद करने हैं, ओके। और यहाँ पे P Q R जो फोर्स हैं ये हमारे एक्टिंग फोर्स हैं, थ्री एक्टिंग फोर्स हैं, ओके, और अल्फा बीटा और गामा जो है हमारा एंगल है, एंगल, ओके। अब हम इस पे एक क्वेश्चन को भी लेके सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकता है। देखिए पॉलिटेक्निक में इसके जो है डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे केवल हम फॉर्मूला की यूज करते हैं, और बीटेक स्टूडेंट के लिए डेरिवेशन की है जरूरत पड़ती है, कभी कभी डेरिवेशन वहां प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो हम इसके अगले लेक्चर में हम इसकी बात कर लेंगे कि डेरिवेशन इसका कैसे करते हैं। तो आगे देखते हैं हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को, ओके। देखिए हमारे पास एक कोई एक क्वेश्चन है लामिस थ्योरम से रिलेटेड, कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक कोई जैसे इस हम डायग्राम को समझा देता हूँ, देखिए ये कोई डायग्राम हमारा 15 न्यूटन का एक वेट है जो एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है और दो स्ट्रिंग से ये बंधी हुई है, जो एक दो वॉल है कनेक्टेड, दो वॉल से कनेक्टेड, एक 45 डिग्री पे एक 60 डिग्री से कनेक्टेड है। तो इसमें पूछ रहा है कि इस जो वायर है इसमें टेंशन निकालने को पूछ रहा है, ओके, टेंशन पूछ रहा है ये, इसमें टेंशन इसको टी ए मान लेते हैं और इसमें टेंशन टी बी मान लेते हैं, ओके, और ये वायर का वेट हमारा डब्ल्यू है, ओके। तो ये पूछ रहा है कि टी ए और टी बी की वैल्यू क्या होगी, टी ए बराबर क्या होगा हमारा और टी बी की वैल्यू क्या होगी, और इसका वेट हमारा दिया हुआ है W इक्वल 15 न्यूटन, ओके। तो देखिए यहां पर भी हमारे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से, TA, एक टेंशन TA है, दूसरा टेंशन TB है और तीसरा हमारा एक वेट है जो W लग रहा है डाउनवर्ड की तरफ। तो यहां पर भी हमारे तीन फोर्सेस की बात हुई, तो लामिस थ्योरम ओनली थ्री फोर्सेज, जहां पे इंडिविजुअल जहां पे केवल तीन फोर्सेस की बात होगी वहीं पे हम लामिस थ्योरम को लगाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक वेट W डाउनवर्ड की तरफ लेंगे, ये डाउनवर्ड की तरफ हमारा W वेट कितना हो जाएगा 15 न्यूटन का, और इसी पॉइंट से हम देखते हैं कि ये हमारा कोई एक यहाँ पे है वायर TA जिसमें टेंशन लग रहा है जो ये 60 डिग्री बना रहा है। तो अगर 60 डिग्री यहाँ पे बना रहा है तो इस लाइन को हम क्वाड्रेंट को ड्रॉ करते हैं, तो ये जब 60 बन रहा है तो ये भी हमारा 60 बनेगा, ओके। देखिए ये जब 60 बन रहा है तो ये भी हमारा 60 बनेगा, ओके,
और यहीं से एक हमारा 45 पे बन रहा है, ये हमारी कोई वायर तीसरी है जो टीबी जिसे हमने बोला था, ये टीबी वायर भी हमारा कोई क्या बना रहा है, टीबी वायर यहाँ से 45 बना रहा है, 45 का एंगल ये है, ये हमारा 45 का एंगल है, तो ये 45 एंगल है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, तो ये 45 एंगल हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका है कि अल्फा बीटा और गामा को निकालना। अल्फा बीटा गामा निकालने से पहले सबसे सिंपल तरीका है इसका कि वेट जो हमारा लग रहा है ना, मतलब एक इक्वेशन बना लेते हैं, जो हमारा लामिस थ्योरम इक्वेशन बनता है वो देख लेते हैं कैसे बनेगा यहाँ पे। तो ये अगर हमारा 45 एंगल है और ये 60 एंगल है, ओके, और ये पूरा एंगल जो हमारा बन रहा है, कौन सा पूरा एंगल, ये जो पूरा हमारा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं कैसे होता है। इस डायग्राम को थोड़ा अलग देखते हैं। अब जो एंगल हमारे शो हो रहे हैं, इस एंगल को हम देखते हैं कि एंगल हमारा क्या दिख रहा है इसमें। तो देखिए अगर हम इसे शो कर रहे हैं तो ये कह रहा है हमारा डायग्राम कि ये हमारा कोई 45 का एंगल बन रहा है। ओके, तो ये 45 बन रहा है और ये पूरा हमारा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री होगा एंड ये हमारा 90 है। ओके, तो दो फोर्सेस के बीच में मिल गया, ये हमारा कोई टीबी था और ये कोई टेंशन टीए है और यहाँ पे वेट हमारा 15 न्यूटन है। तो इन दोनों को देखिए, अगर हम टीए के निकालेंगे तो टीए के बीच में हमारा एंगल मिल गया 90 प्लस 45। ओके, मिल गया ना 90 प्लस 45। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी हमारा कितना है, 90 डिग्री है, 90 है। तो देखिए ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया और ये 90 हो गया, तो ये एंगल हमारा कितना बना, 180 में से 9 6 15 180 में से 150 अगर घटाते हैं, 180 में से 150 को अगर निकालते हैं तो ये 30 एंगल बचेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या बनता है कि अगर हम TA को लेते हैं तो TA अपॉन, देखिए TA ये लाइन है तो इनके बीच में लाइन कौन कौन सी, इस लाइन, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 प्लस 45, तो साइन 90 प्लस 45 हो जाएगा। ओके, और वैसे ही अगर हम TB को देखते हैं, देखिए TB के बाद हमारा कौन कौन से फोर्सेस बच रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 प्लस 60, तो TB अपॉन साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा हमारा। ओके, और तीसरा हमारा है वेट, वेट कितना है, 15 न्यूटन, इसको भी लिख लेते हैं और उसके बाद इसके बीच में देखते हैं कि एंगल क्या है। देखिए इसके बीच में एंगल हमारा बन रहा है एक 45 और एक 30, तो पूरा कितने हो जाएंगे हमारा, साइन 75 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से TA और TB की वैल्यू निकालने के लिए हम अलग अलग पुट कर देते हैं। कैसे, देखिए अगर हम TA और इस वेट को लेके चले तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से TA साइन 90 प्लस 45 हो जाएगा हमारा, कॉस 45 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा हमारा। ओके, और यहाँ से हम 15 अपॉन साइन 75 ले लेंगे, यहाँ से हम TA की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 15 cos 45, ये कॉस हमारा इस साइड चला जाएगा, कॉस 45 अपॉन साइन 75 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं कैसी, उसे सॉल्व करके, तो हमारा आता है 15 cos 45 डिग्री की वैल्यू हमारी आ जाती है 10.606 अपॉन साइन 75 की वैल्यू आ जाती है हमारी, साइन 75 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जा रहा है कंप्लीट, एक मिनट, साइन 75 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आ रहा है हमारा 0.965। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 10.606 को डिवाइड करते हैं 0.965 से तो आ रही है इसकी वैल्यू हमारी 10.99 न्यूटन। तो TA जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है ना, 10.99 न्यूटन का हमारा TA का जो है टेंशन लग रहा है। ओके, TA बराबर 10.99 न्यूटन। ओके, अब देखते हैं हम TB हमारा कितना आता है, चलिए सॉल्व करते हैं। TB को लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए TB को निकालने के लिए हम कर लेते हैं इसको, इसको और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं TB अपॉन साइन 90 प्लस 60 डिग्री इक्वल 15 अपॉन साइन 75 डिग्री। ओके, तो इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे TB की वैल्यू, तो क्या कहता है, देखिए TB बराबर अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो 15 साइन 75 डिग्री इंटू
कॉस 60 डिग्री, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 15 कॉस 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 अपॉन साइन 75 की वैल्यू 0.965 आ जाएगा। अगर इसको दो से काटते हैं तो 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 0.965 करते हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 7.772 न्यूटन। तो हमारी इन दोनों इक्वेशनों से हमारा TA और TB की वैल्यू निकल जाती है। तो TA और TB की वैल्यू क्या शो करती है, हमारी वायर में जो है टेंशन शो कर रही है। ओके, तो यहां पे देखिए TA और TB की वैल्यू हमारी कितनी आई है 7.77 तो न्यूटन। तो TA में हमारा टेंशन कितना लग रहा है, TA में जो टेंशन हमारा लग रहा है 10.99 न्यूटन का टेंशन लग रहा है, और वैसे ही TB में हमारा कितना टेंशन लग रहा है 7.77 न्यूटन का, और वेट हमारा 15 न्यूटन दिया है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, अगर तीन फोर्सेस हमारे दे रहे हैं तो उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमसे वैल्यू क्या क्या दी हुई है, उसे एक डाटा को लिख लेंगे, और उस डाटा को लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है और क्या क्या दिया हुआ है। या तो वो पूछेगा एंगल कि दो फोर्सेस जैसे कि पी और क्यू, जैसे टी ए और ये टी बी है, ये टी ए और ये टी बी है, तो या तो इसके बीच का एंगल पूछेगा, इनके बीच अगर इनका टेंशन दिया है तो, या फिर इन दोनों टेंशन में से कोई एक टेंशन पूछेगा, या तो दोनों टेंशन पूछेगा जैसे यहाँ पे पूछा था, या फिर इसका वेट भी पूछ सकता है। ओके, तो कुछ इन तीनों वैल्यू में से इस लामिस थ्योरम को लगा के हम कुछ भी एंगल और टेंशन और वेट कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा लगा, अगर समझ में आया तो प्लीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उतना ही सॉल्व होता जाएगा। तो लामिस थ्योरम देखिए, लामिस थ्योरम एक बेसिक थ्योरम है, और ऐसे ही क्वेश्चन से हम मैकेनिक्स सॉल्व करेंगे। यहाँ पर केवल एक स्ट्रिंग थी, और आगे के आने वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी मिलेंगे, जहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग्स बहुत सारे स्ट्रिंग्स से कनेक्ट होकर मिलेंगे, तो वहाँ पे हम तीन तीन चार चार फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हर अलग अलग पॉइंट पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हर फ्री बॉडी डायग्राम जहाँ जहाँ बनाएंगे वहाँ वहाँ हम नंबर वो टेंशन निकालेंगे, और टेंशन या फिर एंगल को भी दिखाना पड़ेगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते प्लीज़ ग्रुप में शेयर करें, और उसका आंसर आपको और उसका सलूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो है हमारा मेन एक इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स का चैप्टर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।